रही है आज के व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं दिन के एक और आज का व्लॉग शुरू करने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी भी आ चुकी है, उसके भाई तो वही जा रखा है सुबह से और अंजलि भी जा रखी है। तो ये मेरी ड्यूटी लगी हुई है खाना बनाने की और ये फोन मैंने यहाँ पे मम्मी को पकड़ा रखा है। बर्तन और गंदी चीजें मेरी यहाँ पे हो रखी है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पुलाव बनाने की तैयारी। मैंने इसमें डाली है लौकी आलू वगैरह वगैरह। अरे ये पनीर बनाओ छो क्यों ईदगान के फोन चार पांच लोग से नाम। अरे नो टेंशन यार, हो जाता है इतना। हम इसी में तो भात खाते हैं वैसे भी। खाना छे ना बच्चों ज्यादा नहीं कह रही है कि मुझे चेंज करना चाहिए ये प्रेशर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा प्रेशर भी रखा हुआ है। कम कर गए सब, अब ढालते मैं फोन नहीं लो। मम्मी को फोन पकड़ाना एक बहुत बड़ी समस्या है, चिल्लाती रहती है, फोन में नहीं देखती है, इधर उधर देख रही होती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये ठंड क्यों आती है, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा ठंड लगती है, किसी को नहीं लगती। मुझे एक या दो महीने से ठंड लग चुकी है, लोग अब निकाल रहे हैं एक एक स्वेटर और मैंने बिल्कुल ही तीन चार कपड़े दबा रखे हैं, क्योंकि मुझे ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है। अपनी अपनी प्रॉब्लम है सबकी। फिलहाल खाना खाने का टाइम हो गया है, इन लोगों को उठाती हूँ मैं तो खाना खाने के लिए। कहता नहीं नहीं गाड़ी को धोने का फील नहीं आता भाई, तो जा धोने चले जा अभी से उसको। ए भात खाना वरे गांव वाला। तो देखिए ये दोनों फोन में बिजी हो रखे, तभी इनको रात को सपने भी इसीलिए आ रहे हैं। देखो दोनों बिजी हो रखे, तब लगे हैं रात में भी। हाँ चलो खाना खाने के तैयार हो जाओ। क्या बोलो है वही तो, क्या जमाना आ गया है। मतलब ऐसा जमाना आ गया, कुछ टाइम पहले तो बच्चों को बोलना पड़ता था कि उठो, हम लोग खाने खाने के तैयार हो रखे, वो दोनों लगे हुए हैं। अब गाड़ी भीगी ना, शांति से कर। तो देखिए ये मैंने बनाया है पुलाव यार, ये मसाजा तवे मिले है ना। पुलाव नहीं, ये खिचड़ी तेरा, खिचड़ी मम्मी खिचड़ी घुमे दीबल जरा पूरा। पहले ऐसा होता था कि माँ बाप कहते थे कि बच्चों के फोन पे आग लगा दो, अब मेरा मन कर रहा है इनके फोन पे आग लगा दो। हैं उठो उठो चलो। हाँ सीधा लगे देना। तो ये है मेरे हाथ का हलवा और यहाँ पे सूरज को डायरेक्शन दी जा रही है कि गाड़ी ढंग से चलानी है सब कुछ। वही तो लेके दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि भगाते रहना है। हाँ हाँ स्कूटी भी ख्याल रखा। मम्मी कैसा लग रहा है हलवा? ये तो खा ले, अभी टेस्ट करूंगा। कर कर, पीला हलवा नहीं है। गुड गुड, बढ़िया पीला हलवा खाओ खाओ मेरे हाथ का खाना। तो मैं और सूरज थोड़ा सा, अभी शाम के चार बज रहे हैं और मैं और सूरज थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं। मम्मी यू कोट पहन जाओगे? अच्छा रखे ठीक है, वैसे भी ठंड हो रही है यार, आजकल कपड़ों का कोई सिस्टम ही नहीं बैठ रहा और बार बार इतने कपड़े भी चेंज कौन करे। धन का बन की करना होगा तो वो कर देना क्या? पर नहीं यार, घर के कपड़े ना कम्फर्टेबल होते हैं और फिर मतलब एक वो जो मतलब बाहर के लिए गंदे भी ठीक नहीं लगते और घर के लिए ज्यादा अच्छे भी ठीक नहीं लगते, तो चेंज करना ही पड़ता है। एक मिनट ना क्लिप लगाती मैं जरा। क्या पानी तो पी लो, पर यार मम्मी बहुत ढील हूँ, चेंज करो क्या? ये देखिए ना इधर गिड़िया यहाँ ढील हूँ, इसी वजह से मैं इतनी मोटी लगती हूँ। बताइए जरा देखो क्या फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं। हम मुझे बोलती है ठीक ठीक। अरे तू बाजार जा रहे ना, मैं हवा लगाना ये बंद करियो, ढीला ढाले ठीक ना। अगर अगर कभी मैं कहीं जाती होंगी बेकार दिखती होंगी, नमूनी दिखती होंगी, तो समझ लो मेरी माँ ने मेरे को तैयार करके भेजा है। कोई सिस्टम नहीं रखती, ठीक है बढ़िया बढ़िया, चाहे इतना ढीले कपड़े पहना लो। ये भी इसी ने ला रखा मुझे यहाँ, देखो इतना ढीला, पर बोलेगी नहीं पहन के चली जा, अब जाना ही पड़ेगा, क्या करें। गरम पानी पुलाव खाया, हेलो वही तो हलवा वाला पुलाव। चलो चलो मैं सभी ले, पैसे दे दो इसके पास, इसके पास पैसे दे दो, मैंने शीशा भी लेना है। कहने का शीशा के शीशा मतलब शीशा, तुमने शीशा ले और ना। अरे नहीं आ? मैं लुक वाइज बोलूँ, थोड़ा ऑल मच लग दो, चुप कर। देखिए गाइस इनके पास इतने सारे पैसे हैं, कृपया यहाँ चोरी करने आ जाइए। तो ये हम मिठाई भी देने वाले हैं गेट पे किसी को, पापा के परम मित्र को। चलो मम्मी आ जा। मुझे अभी तक ऐसा हो रहा है बेकार लग रहा है यार, ये मैंने घर में पहने रहता था। अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, स्कूटी में जाना ना, बाल बुल जरा बाल बना दे, मामला जितना झुक हो गया था क्या फायदा। वही तो बाय।
अच्छी तो लग रही है ना। लड़े ना करे मैडम, मैं और सूरज यहाँ से चले साथ चले तो जाते हैं, पर साथ आते कभी नहीं है वापस, कभी नहीं आते साथ में, क्योंकि वापस आने आने तक हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। कभी इन्होंने हमको वापस आते हुए नहीं देखा होगा साथ में। मॉडल 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 तो देखिए, ये मेरी, ये सूरज की, ये मेरी है ठीक है, तो मेरी है ठीक है, तो मेरे पास रही। पता जी मैं मॉडल क्यों बना। हाँ सीट कवर लेंगे हम कुछ दिन में। कहते हैं डिक्की मधन चेरे मिठाई तो कहते था। अच्छा ठीक है ठीक है बाय। देखिए गाइस ऊपर से मैं देख रही हूँ दोनों, जिसके साथ सब लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं वो यहीं पे है। मैं भी आज ही देख रही हूँ, जो कि घंटाघर के बिल्कुल सामने है, घंटाघर सामने दिखाई दे रहा है। और ये दून लव करके बहुत सारे लोगों की यहाँ पे फोटो होती थी, मतलब जब भी लोग देहरादून आते थे तो ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे फोटो होती थी। तो आज मैं आज पहली बार ही देख रही हूँ कि ये यहीं पे है, जबकि मैं बहुत दिन यहाँ से गुजरी हूँ लेकिन देखा ही नहीं कभी। और बारिश भी आ गई है, सुबह से लग रहा था कि अभी बारिश आएगी तभी आएगी, लेकिन फाइनली अब आ रही है शाम के 5 बजे। इससे बड़ा मिल जाएगा, इससे बड़ा भी है। क्या क्या रेट है इनके? इससे बड़ा 1400। ये 1000 का है ये वाला, ये बहुत ज्यादा नहीं 1000 रुपए? यू नहीं यू ना। तो हमें एक शीशा चाहिए था वहाँ पे जहाँ पे मैं हॉल पे बताई रही थी, तो वो तो छोटा सा है यार, उसमें 1000 रुपए बता रहे हैं, वो थोड़ा 1000 रुपए थोड़ा सा ज्यादा है। और दूसरा जो उससे बड़ा है वो 1400 का, 1000 रुपए थोड़ा सा उसके हिसाब से ज्यादा लग रहा है मेरे को। हम लोग हॉल के लिए एक मिरर लेने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितनी जगह घूम फिर रहे हैं तब भी हमें एक ढंग का शीशा नहीं मिल रहा है। सब वैसे वाले मिल रहे हैं जैसे फर्नीचर दुकान में कुछ लोगों ने वहाँ के लिए रखे होते ना बाथरूम के लिए, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सेम इसका रेट क्या है? 264। हाँ जो मतलब हमें यहाँ पे 500 रुपये का मिल रहा है वो ऑनलाइन 264 रुपये का मिल रहा है। ठीक है ऑनलाइन मंगाना, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक काम करते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं, नहीं लेके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। इसकी रेंज है यहाँ पे कितने रुपए? 500 रुपये। इसकी दिखाओ जरा यहाँ, 200 कितने रुपए? 264 रुपये। साइज़ का अंतर हो सकता है, पर हो सकता है साइज़ का हो, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन देखने की सोच रहे हैं। मैंने बोला था ना ये लड़ाई करते रहता है मुझसे, मैंने आज की ही नहीं, मतलब चिढ़ता रहता है चिढ़ता रहता है, ये कर दिया वो कर दिया, आगे चल फोन मत देख, ये मत छेड़ वो मत छेड़, कुछ नहीं करने देता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे आपके ग्लास छोटे हो रहे हैं भैया। चलो से गुजर रहा है, बहुत बढ़िया वाला निब्बा। नहीं यार नहीं, यू बेस्ट है, चुपचाप यूं तलियो, ज्यादा वो ना करिए। वहाँ ये कुछ लिखे जी भाई, जय श्री राम लिखा है किसी पे? राम वाला देव, राम वाला जय श्री राम। तो फिर सूरज ने ये वाली चाबी ली है और बहुत भारी है ये, कभी किसी लड़ाई होगी तो सर ने मानेंगे, टक हो जाता है। तो ये यहाँ पर खड़ी है और हम इसके लिए कवर लेके आए हैं, बारिश भी आने वाली थी ना आज, जैसे ये घर आई बेचारी बारिश आने लग गई हमारे यहाँ। आगे से जाओ आगे से जाओ। तो ये है हमारी गाड़ी, हर जगह पे मैं वो कर रही हूँ, इतनी बारिश में बैठ रही हूँ। अभी मैं जरूरी था, अरे भाई चलाना होते चिवा कर ले लो। देखिए ये ऐसा कर रहा है कि गाड़ी को देख के हिलानी जरूरी है, चलेगी वो अभी। जैसे नई नई चीज आती है और आदमी उसको लेके बड़ा पॉजिटिव होता है ना, कि मतलब यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं। जैसे नया नया हमारा फोन आता है तो हम कुछ दिन तो बड़े तमीज से रखते हैं उसको, बाद में नहीं रखते हैं। तो ये भी ऐसे, अरे कवर डाल दी, तो ये भी वैसे ही कर रहा है कि हिला क्या रही है, भाई चलेगी वो अभी। यहाँ पर देखिए मैं एक दाल भिगा रही थी और ये अरहर और चना है, तो देखिए कितनी ज्यादा मिलावट हो रखी है। क्या जरूरत है, मतलब जो ओरिजिनल होती है उसमें कलर नहीं आता है, क्या जरूरत है मतलब कि इसमें कलर डालने की? मतलब कि अफसोस हो रहा है कि हर चीज में मिलावट, मतलब ये दाल हमने घर में बनानी है कि इसमें भी मिलावट हो रखी है, तभी तो इंसान स्वस्थ नहीं है, 1000 तरह की बीमारियां लग रही है इन्हीं कारणों से। कि देखो ये दाल जो घर में ला रखी है इसमें क्या मतलब था मिलावट का, लेकिन क्या करें। तो चप्पल दे। तो देखिए रात के 8 बज रहे हैं और इनको खाना, यूं तो घर भी इनको, जब हम घर में रहते थे घर में भी इनको 8 बजे रात को याद आती थी, जैसे खाना बनाने की नौबत आई इनको। सुन तो सुनो सुनो, पता क्या तो अंधेरा में जान बहनी हम, अभी बड़ी याद आ रही है। तो अभी इनको घर में भी ऐसी याद आती थी कि रात को जैसे खाना बनाने की नौबत, अरे ये नहीं है टमाटर नहीं है, यहाँ भी इनके यही हाल है कि ये नहीं है वो नहीं है, चलो जाओ मार्केट जाओ। 30 रुपए का भैया, 30 रुपए का नहीं नहीं वो तो मैं ऐसे देख रही कि इसमें पानी नहीं है। ये लो भैया, तो यहाँ पे मुझे 30 रुपए किलो टमाटर मिला है, 30 ही है ना? हाँ कितना बोला है टमाटर? 30 रुपए किलो। हेलो गाइस, कोई है?
कथा रुपए किलो वाला। मम्मी मम्मी कथा रुपए किलो वाला टमाटर? अच्छा हाँ नहीं 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 मैं तुम बोला महंगा ले 30 रुपए किलो। 20 रुपए बचा के लाई 20 रुपए महंगा छिन घर में तुम रोज 60 रुपए टमाटर रखे थे यो भी पता कहाँ तो पैदा क्यों हुआ। तो अंजलि कह रही थी कुछ बता बता। मैं सोच रही थी हाँ मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ये सूरज ने चीख मार दी अंदर ये माई दम बचाई जो मैं सूरज अंजलि ने कहा मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ सूरज ने चीख मार दी हैं गलती से बन जाती है। किसी का कुछ करने का मन नहीं कहता किसी कुछ भी हो जाता है लोग खुद से बना लेते हैं और वो चीज आगे चलती जाती है चलती जाती है तो पता नहीं चलता कि इसकी शुरुआत कहाँ से है तो लोग मानते चले जाते हैं। कुछ चीजें अनावश्यक होती है उनको जितना चाहे छोड़े वही बढ़िया है ना। क्या भगवान पे विश्वास ठीक है लेकिन अंधविश्वास नहीं। हाँ वो तो है ना बात सही है। जैसे 3 देड़ी काम देड़ी तू पढ़े पर ध्यान दी कि राम पर विश्वास रख तो भगवान भगवान छोड़ वही तो भगवान पर विश्वास ठीक है लेकिन अंधविश्वास ठीक नहीं है। हाँ तो फिलहाल सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। क्या बोलो बोल 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 ये भी ऑन कैमरा कुछ बोलता नहीं है। और सबसे बेकार आदत मुझे ऐसा लगती है कुछ लड़कों की आदत होती है ना जैसे वो देखते हैं मतलब किसी को तो वो ऐसे बालों पे हाथ फेरना इससे आप कोई कूल साबित नहीं हो जाता है। इसको मैं बता रही हूँ ये बात ठीक है ये बालों पर हाथ फेरने वाली आदत ना करें बाल कटे हुए पूरी जीरो कटिंग बोल के बोले ओ बोलिएगा बाल कटे हुए जीरो कटिंग करें पूरी क्या बोल तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि अंजलि सोच रही है कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि करे कि ना करे। बहुमत से जीतेगी ये। अगर 100 कमेंट आए हैं मम्मी अगर 100 कमेंट आए कि हाँ अंजलि ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगी कि नहीं तभी ये ब्लॉग बनाएगी वरना बहुमत नहीं मिलेगा तो ये सरकार नहीं बन पाएगी। क्या 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 100 तक कमेंट एज आला ना एज भी हो सकता है वही तो बहुमत इस तरह से पारित हो। एक कोरम है कोरम तो कोरम के अभाव में यहाँ पे अंजलि ब्लॉगिंग नहीं करेगी। कोरम आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब गढ़पूर्ति भी उसे कहते हैं कि अगर सरकार बननी हो तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब एक संख्या होती है कि अगर यहाँ तक इतने सदस्य होंगे तो आपकी सरकार बनेगी इस तरह से कुछ भी नहीं सदन की कार्यवाही शुरू होगी। यस तो अगर आप इतने सदस्य होंगे तो यहाँ पे सदन की कार्यवाही शुरू होगी इस तरह से काम सदन होगा। का मतलब मेरा ब्लॉग हाँ मतलब वही तो अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। जमानत जब्त वही तो अंजलि की जमानत जब्त मत करने मत होने देना ठीक है। तो गाइस देखिए इस तरह से निकालती है इधर देखो आती है यहाँ पर से निकाल के एक एक करके और चली जाती है। इसका काम है ये इसकी जिंदगी भर की हरकत है। मम्मी हाँ देखो अंजलि की हरकत बताओ जिंदगी भर की हरकत है ये सिर निकाल लिया मीर एक एक करी होनी जानी देखो मत निकाल मेरा। तो जितने भी लोग पूछते हैं अब मैंने हर व्लॉग में बताऊँ हर व्लॉग में कमेंट है मम्मी अंजलि बड़ी है कि छोटी है अरे बड़ी है ये हालांकि इसके काम नहीं है वैसे पर है ये दी क्या दीदी झूठ के लिए नहीं मम्मी इन्हीं दिन में शेर खेल यार क्या हाँ तो अंजलि की जमानत जब्त मत होने देना। मैं गरीब हूँ अरे मम्मी अंजलि भी ब्लॉगिंग शुरू करने वाली है तो कह रही मैं इसी मोबाइल में बना दूंगी वीडियो ये देखो ये गरीब है प्लीज इसको सब्सक्राइब करना क्या पहले बेस बने दी तो दोस्तों इसको पहले दिन ही 1000 सब्सक्राइबर देना नगार मेरो जसामास गुड गर्ल इसको सब्सक्राइब करना ये गरीब है अनबते लोगों में रिक्वेस्ट कर दी
हूँ कि अमीर रे बोल बोली के कि मैं गरीब हूँ गरीब हूँ बोल बोली क्या बोले हाँ जितने भी लोग देखेंगे इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये चैनल का नाम क्या रखेंगे क्यों ना चैनल का नाम क्या रखेंगे बता नहीं नहीं तेरा छुपाल ना दे ठीक है।